हेलो बच्चों, आज हम आपको अतीत, हमारे अतीत भाग एक, हमारे अतीत भाग एक अध्याय 6, उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी, यह पाठ आप पढ़ा रहे हैं। आप उसको ध्यान से सुने और क्रम वाइज वीडियो आप उसको सुनेंगे, उसके बाद तब बाद में दिखाया जाएगा। औपनिवेशिक शहर में शहरों का क्या हुआ? औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया, किस तरह बदला। इसी शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों, या सूरत जैसे बंदरगाह, या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। कैसे कैसे ये शहर बदल गए, इसी के विषय में आप इस वीडियो में आप सुनेंगे। हमारी जो शाही राजधानी थी, उस शहर के साथ साथ और कौन कौन शहर ऐसे हैं जो बदल गए। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगीकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ, अब आगे आप इसमें देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक चित्र दिया गया है। चित्र नंबर एक, मछलीपट्टनम का एक दृश्य, 1672 का ये चित्र है। दृश्य है, मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बंबई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, तो उनका महत्व घटता गया। अब देखें कि 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे, जहां पर अंग्रेजों ने अपनी राजधानियां बनाया था। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे, खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाके में केंद्रित होने लगा, तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए, तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उसको आप देख लीजिए। प्रेसिडेंसी, शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी, बंबई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों यानी व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो और चित्र नंबर दो में देख लेंगे, 18वीं सदी में बंबई का बंदरगाह यहां पर दिया गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बंबई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी, तो बंबई शहर फैलने लगा।
विशहरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, इसी को कहते हैं विशहरीकरण। विशहरीकरण, अब देखें, ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाई 1912 में, ये तब की बात बता रहे हैं। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था नई दिल्ली से पहले, और कितनी दिल्लियाँ थी। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं, क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक आप राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र फल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई। आधुनिक नगर दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थीं। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृत भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह, बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल्ले सिख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं है, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम की भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ भारत के अनेक शहरों की क्या दशा हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 19वीं, एक चित्र नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे किताब में, तो आप पाएंगे 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर, द इलेक्टेड लंदन न्यूज, 16 जनवरी 1858। आप बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं। शहर को घेरने वाली दीवारों को ध्यान से देखें। बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए कि यमुना नदी लाल किले से सड़कर बह रही है। अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है, जहां नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है। इसे अब दरियागंज कहा जाता है। दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब है बाजार, दरियागंज। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उनका भी मतलब समझ लें। जैसे दरगाह, दरगाह का अर्थ होता है सूफी संत का मकबरा। खान क
काह यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद देते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, उसको खानकाह कहा जाता था। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुल देश से ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उसको कहते हैं कुल देश से। तो इस तरह से अब ये वीडियो आपका यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद आपको दूसरा वीडियो जाएगा। धन्यवाद।